मरुधरा में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न और 23 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। देवली में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ा थप्पड़। विरोध में आरएएस एसोसिएशन ने पेंडाउन हड़ताल का किया ऐलान। गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से पेंडाउन और नेट डाउन हड़ताल। झुंझुनू में प्रत्याशी हुड़ा का बूथ कैप्चरिंग का आरोप। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वेरावास में हुआ पथराव। वहीं पुलिस द्वारा भीड़ पर डंडे चलाने पर भीड़ ने किया पथराव। 7 निर्वाचन क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 64.82% हुआ मतदान। बात रामगढ़ की करें तो 71.45% मतदान। खीवसर में 71.04% मतदान। चौरासी और सलुम्बर की बात करें तो 84 में 68.55% मतदान हुआ, तो वहीं सलुम्बर में 64.19% वोटिंग हुई है। झुंझुनू में 61.8% मतदान हुआ। देवली उनियारा में 60.61% मतदान हुआ। दौसा की बात करें तो यहां पर सबसे कम देखा गया हॉट सीट है, कड़ी टक्कर है। दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी, फिर भी जो है 55.63% मतदान हुआ। ये 5 बजे तक का आंकड़ा तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव बन गए हैं। जिस तरह से देखा जाए शशि, कुछ घटनाएं भी सामने आई और देवली उनियारा ने तो पूरे देश में एक चर्चा का विषय पैदा कर दिया कि किस तरह से एसडीएम पर थप्पड़ जड़ दिया नरेश मीणा ने। वहीं मतदान प्रतिशत को देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं इसे? दरअसल कई चुनाव जो होते हैं उनमें मतदान प्रतिशत से रुझान का पता लग जाता है, और इस उपचुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि मतदान प्रतिशत काफ़ी कुछ संकेत दे रहा है। जो नेक टू नेक फाइट की सीटें थी जैसे रामगढ़ और खीमसर, जहां 71% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, वो ये दिखा रही है कि वोटर्स ने अपना उत्साह दिखाया और प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगाई है। हालाँकि हम ये मान के चल रहे थे कि उपचुनाव हैं तो ज़्यादातर नेताओं का, पार्टियों का फोकस अपने वोटर्स पर रहेगा और 75% से ऊपर पोलिंग परसेंटेज जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सबसे कम वोटिंग जहां दौसा में हुई है, 56% को भी क्रॉस नहीं कर पाई, 55-55 के आसपास ही वोटिंग परसेंटेज अटक गया। तो वोटर्स कुछ जगह उदासीन बहुत रहा है और ये उदासीन वोटर काफ़ी निराशाजनक परिणाम कई मायने में दे सकता है। ख़ासतौर से किरोड़ीलाल मीणा की टीम ने मेहनत काफ़ी की, वो वोटर्स को कितना खींच करके ले कर आ पाए, जो दीनदयाल बैरवा हैं उनके वोटर्स ज़्यादा आए, या फिर जो वोटर न्यूट्रल था या वॉलेटाइल वोटर था वो अपने पोलिंग बूथ तक ही नहीं गया, उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये सवाल है। हालांकि जब पोलिंग बूथ का बूथवार हम विश्लेषण करेंगे तो बता पाएंगे कि किस जगह किस पॉकेट में कम वोटिंग हुई है, लेकिन ये कम वोटिंग जिन जिन सीटों पर हुई है वो ये दिखा रहा है कि कहीं बीजेपी को तो इसका नुकसान नहीं हो रहा। हालांकि बीजेपी के नेता इस बात को लेकर सजग थे, लगातार उनकी कोशिश थी कि जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान पहले चरण की वोटिंग में हुआ, जहां पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उदासीन हो गए, जहां कुछ प्रत्याशी थे वो सही से बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और पहले चरण में ही आपको ध्यान होगा कि बीजेपी को ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद पार्टी जागी तो दूसरे चरण में ज़्यादा वोटिंग कराई, लेकिन यहाँ दोबारा जागने का मौका नहीं था, एक ही चरण में वोटिंग थी। और खीमसर में जहाँ हनुमान बेनीवाल का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ट्रायंगल में था, तो क्या लोग स्वस्फूर्त होकर के घर से आए या प्रत्याशियों की टीम ने लोगों को, वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुँचाने में मदद की? जो देवली का घटनाक्रम हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। हालांकि हम पिछले समय में जाएं, नवंबर दिसंबर 2023 में जब चुनाव हुए थे तो छबड़ा से नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, चुनाव लड़ा था, आपको ध्यान होगा तब भी वोटिंग के समय कई चाओस की स्थिति बनी थी और कोलाहल की स्थिति में नरेश मीणा एसडीएम से उलझे थे। हालांकि तब एसडीएम अपनी सजगता से पूरे मामले को टाल गए, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हो पाया, लेकिन आज अमित चौधरी जो युवा एसडीएम है, वो नरेश मीणा जब पोलिंग बूथ के अंदर गए, मतदान शुरू हुआ, दरअसल वाकया ये हुआ कि जो सरावता गांव था वहां
पोलिंग का बहिष्कार किया ग्रामीणों ने अपने को देवली और उनियारा ब्लॉक के बीच में शिफ्टिंग की डिमांड को लेकर के। लेकिन इस बीच जब एक दो वोट गिरने लगे तो नरेश मीणा को पता लगा, वो पहुंचे और जो घटनाक्रम हुआ वो इतना त्वरित हुआ। हालांकि उसके बाद भी जो इकबालिया बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्हें दुख है इस घटनाक्रम का, एक नहीं दो थप्पड़ पड़नी चाहिए थी, ये दिखा रहा है कि एरोगेंसी अभी भी है। और जो कई बार नेताओं को लगता है कि उनकी वैल्यू सेंस की बजाय न्यू सेंस से ज़्यादा होगी और नेता पथ भ्रमित हो जाते हैं, उस रास्ते पर चले जाते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। सवाल ये उठ रहा था, दिन में हम सचिवालय के गलियारों में ये बात सुन रहे थे लोगों के बीच कि आखिर पुलिस ने तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या पुलिस पोलिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी? पोलिंग खत्म हुए अभी एक घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में कानूनी राय ली जाएगी, क्या हर मामले में ऐसा एक्शन लिया जाएगा? जी ठीक, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।